आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम सूप। इसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम मशरूम, 2 बड़े प्याज, कुछ लहसुन की कलियां, 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच मक्खन, 2 स्लाइस चीज़, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच वाइट पेपर पाउडर। पैन गरम कीजिए, उसमें 1 बड़ा चम्मच मक्खन का डालिए और 1 छोटा चम्मच तेल का डालिए। अब इसमें लहसुन की कलियां काट कर डाल दीजिए और थोड़ा सा भुनने के बाद कटे हुए प्याज डाल दीजिए और कटे हुए मशरूम डाल दीजिए। इसको आप थोड़ी देर अच्छी तरह से भून लीजिए। 1 चम्मच मक्खन साइड में डालकर उधर मैदा डालिए और उसको अच्छी तरह से भून लीजिए और बाकी सब्जी के साथ मिला दीजिए। जैसे थोड़ा सा भून जाए उसके बाद थोड़ा सा नमक और सफ़ेद गोल मिर्च डाल दीजिए और 1 कप दूध डाल के उसको अच्छी तरह से मिला दीजिए। जब ये पक जाए तो इस मिश्रण को थोड़ा ठंडा कर लीजिए और 1 कटोरी अलग से निकाल के बाकी मिश्रण को मिक्सी में पीस लीजिए। अब ये पिसे हुए मिश्रण को वापस पैन में डालिए और 2 कप पानी डालकर 1 कप दूध डालकर इसको अच्छी तरह से उबाल लीजिए। अच्छी तरह से उबल जाए तो जो बचा हुआ मिश्रण है वो भी थोड़ा सा मिला दीजिए। इसी के बाद उसमें 2 स्लाइस ग्रेटेड चीज़ डालिए और जो मिश्रण से हमने थोड़ा सा निकाल के रखा हुआ था वो वाले मशरूम भी इसमें मिला दीजिए। थोड़ी देर पकने के बाद इसे आप गर्मा गर्म परोसिए और थोड़ा सा नमक और काली मिर्च और डाल दीजिए। आपका मशरूम सूप रेडी है।